हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इन ह्यूमंस। तो हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आर एच इनकम्पेटिबिलिटी को ह्यूमंस में। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया, दैट इज आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इन कम्पेटिबिलिटी इन ह्यूमंस। तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग आर एच इनकम्पेटिबिलिटी इन ह्यूमंस। तो जो आर एच एंटीजन होता है सिमिलर टू वन जो कि प्रेजेंट होता है रेसिस मंकी में, आर एच एंटीजन ये देखा गया है इन दी ये ऑब्जर्व किया गया ऑन दी सरफेस ऑफ आरबीसी, सरफेस ऑफ आरबीसी ऑफ मेजोरिटी ऑफ ह्यूमन, सरफेस ऑफ आरबीसी अराउंड 80% जो है 80% ह्यूमंस की सरफेस आरबीसी की सरफेस पे जो आरएच एंटीजन है ये देखा गया, जो कि सिमिलर प्रेजेंट होता है राइसेस मंकी में भी। तो उन जिसकी सरफेस पे प्रेजेंट होता है ना आरबीसी, जिस आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होता है दैट पर्सन शुड बी आरएच पॉजिटिव हो जाता है, आरएच पॉजिटिव हो जाता है। और सरफेस पे आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है, तो उन पर्सन को बोला जाता है आर एच नेगेटिव पर्सन। तो जो आर एच नेगेटिव ब्लड होता है, आर एच नेगेटिव ब्लड होता है ये एक्सपोज हो जाता है टू आर एच पॉजिटिव। तो ये जो ब्लड होता है ये स्पेसिफिक एंटीबॉडीज फॉर्म करते हैं अगेंस्ट आर एच एंटीजन। तो इस मीन्स कि ये इनकम्पेटिबल होता है। देयरफॉर आर एच ग्रुप जो है ये मैच होना चाहिए बिफोर ट्रांसफ्यूजन होने से पहले कंपेटिबिलिटी चेक करने के लिए। तो एक स्पेशल केस, एक केस ऑब्जर्व किया गया है बिटवीन आर एच नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर, आर एच नेगेटिव है प्रेग्नेंट मदर, प्रेग्नेंट मदर अगर आर एच पॉजिटिव है एंड जो फीटस है, फीटस आर एच पॉजिटिव है, फीटस इज आर एच पॉजिटिव। तो जो आरबीसी होते हैं ना फीटस के ये दे गेट इन टू द ब्लड ऑफ द मदर, ये कॉज करते हैं एंटी आर एच एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। तो जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, मदर का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा वो तो नॉर्मली डिलीवर होगा, नॉर्मली डिलीवर होगा। बट सेकेंड चाइल्ड में, सेकेंड सब्सिक्वेंट में क्या होता है, जो आर एच पॉजिटिव प्रेगनेंसी होती है, आर एच पॉजिटिव मतलब फीटस अगर आर एच पॉजिटिव है तो फीटस एक्सपोज होता है टू एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो कि प्रोड्यूस हुई है मदर के थ्रू। एंड इसकी वजह से क्या होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन, एम्ब्रियो के आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है जो कि कॉज करता है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। हमें आर एच इनकम्पैटिबिलिटी ही डिस्कस करना था, एक्सप्लेन करना था इन ह्यूमंस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।